Assalamu alaikum viewers, welcome to Leo TV. Microsoft Excel 2013 के lecture number 15 के साथ है मिल चुका है viewers. Last time insert page layout tab में margin की बात कर रहे थे. Margin में next चलते हैं. Margin में देखते हैं ये हमारे पास sheet है और head and footer की बात हो रही थी. Custom folder से हम head and footer ले सकते हैं. देखिए ये page number, ये जिस तरह का style आप इसने date and time adjust करनी है, ओके करके दिखाता हूँ आपको. ये देखिए ओके. नाउ इसको यहाँ पे मैं लगता हूँ और हमने पीछे इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ऐड किया था. करते हैं ये देखिए आ गया हेड एंड फुटर. नाउ इसको मैं दोबारा गेन ना इस पर वापस जाते हैं पेज लेआउट में. ये वापस आए इंसर्ट में पेज लेआउट में. देखिए गेन ना मार्जिन कस्टम मार्जिन में. ये देखिए कस्टम एडर, कोई आपने कस्टम एडर यूज़ करना है या टेप डेट एंड टाइम प्रिंट आउट में शो करनी है तो वो आप कर सकते हैं. इवन और नंबर नौ ये सब ओके कर लो. ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ. अब देखिएगा इसका प्रिंट प्रीव्यू जनरेट कर रहा है. ये देखिए ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है. इसमें उसने ये नीचे जो भी हमने लगाया वो उसने शो कर दिया. नाउ इज बैक व्यूअर्स. इसमें अगेन नाउ पेज लेआउट में मार्जिन की बात हो रही थी. मार्जिन पे अगेन वापिस जा रहा हूँ. हेड एंड फुटर बता दिया. शीट पे है, शीट में आप ग्रिड लाइन्स वगैरह यूज़ करना चाहें तो प्रिंट आउट में ग्रिड लाइन भी आ सकती है. ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में ये हमें उसने ग्रिड लाइन भी ये शो कर दी. व्यूअर्स इसको वापस जाते हैं. यही देखिए इसमें जाके कस्टम मार्जिन में जो जो चीज़ें हम इसमें सिलेक्शन करते जाएंगे वो हमें शो करेगा. लाइक इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें. ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट में सारा कलर्स नहीं आएगा. अगेन नो मार्जिन में टोटल पेज सेटिंग में चले जाएंगे और शीट पे जाएंगे. ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं. देखिए ड्राफ्ट क्वालिटी में इसका प्रिंट आउट मिल गया. अगेन नाउ बैक मार्जिन पे, मार्जिन में जाके फिर अगेन कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे. शीट में आएंगे रोज एंड कॉलम ऑफ हेडिंग. नाउ प्रिंट प्रीव्यू ये उसने रोज एंड कॉलम से हमें शो कर. व्यूअर्स इसके बाद इसमें इंसर्ट पेज मार्जिन में अगेन नाउ बैक आपको पेज पे जाते हैं. पेज पे जाके ये मैंने आपको बता दिया लेटर हेड एंड डीपी वगैरह बहुत सिंपल सा काम है. इसमें मार्जिन आपको क्लियर कर दिया. हेड एंड फुटर में आपको मैंने पेज नंबर्स एंड डेट एंड टाइम इस तरह इसको पेज पे प्रिंट में शो करेगा. शीट को आपका बता दिया. ये देखिए ये इसको इस तरह कर लेते हैं. चले देखें नाउ इस क्लियर व्यूअर्स. ये था पेज मार्जिन. नाउ अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट ऑडिटेशन पैटर्न तीन टू टाइप्स के होते हैं. लैंडस्केप जो सा आपने इसमें यूज़ करना है. ये पेज साइज आ गए. पेज साइज में भी वही सेम ऑप्शन. नाउ आपने पेज कौन सा चूज़ करना है वही मार्जिन वाला मेन्यू. ठीक है ये देख लें इसमें आप पेज साइज चूज़ कर लें कोई भी यहाँ से जो आपको पेज साइज चाहिए. इसमें जस्ट टू नॉर्मल फिट नाउ. ठीक है इस ओके कर सकते हैं या इसमें ऑप्शन में जाके ये देखें ये इसके ऑप्शंस आ गए. इसमें ये इसने पेट्रियट में इस तरह आएगा डाटा और लैंडस्केप में अगर एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में यहाँ से आप इसकी ए फोर साइज लेटर साइज बी फोर जो भी इसमें फोर साइजेस दिए हुए हैं वो फोर साइजेस वगैरह आप इस पर यूज़ कर सकते हैं. नाउ इसको कैंसिल करता हूँ. प्रिंट एरिया में जाते हैं. प्रिंट मेरे सेट प्रिंट एरिया ना ओके. जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे ये मैं एरिया सेलेक्ट कर लिया सिर्फ इसी एरिया का प्रिंट आउट निकाले तो उसी एरिया का प्रिंट आउट निकालेगा. क्लियर है प्रिंट एरिया. पेज ब्रेक करना है कहीं से आपने इंसर्ट ब्रेक करना है तो आप उस वहाँ से पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं. लाइक इसमें देखिए मैं इंसर्ट पेज ये देखिए यहाँ पर एक लाइन नज़र आ गई और अब पेज यहाँ से ब्रेक हो गया. ये देखिए इसमें मैं आपको गेन बता रहा हूँ कि सिलेक्शन पैन पे देते हैं इंसर्ट पेज लेआउट टाइप में सेंड टू बैंड सेंड ब्रिंग टू फ्रंट नाउ. ठीक है अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं. स्नैप टू ग्रिड लाइन ये देखिए स्नैप टू ग्रिड लाइन स्टेप बाय स्टेप मूव करेगी ग्रिड लाइन का जो साइज़ होगा. ठीक है अगर इसको हम स्नैप टू शेप कर लेते हैं तो ये फुली ये देखिए ठीक भी हुआ. नाउ प्रिंट इंसर्ट टैब का मेन्यू आपको मैंने क्लियर कर दिया और पेज लेआउट का भी मेन्यू आपको क्लियर
फार्मूलाज पे आ जाते हैं। फार्मूलाज में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, वो हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे किस टेबल्स पे, ये एक तरह से लंबा टॉपिक है। इंशाल्लाह ये लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। डाटा पे रिव्यू, रिव्यू में आ जाते हैं। रिव्यू में आके सबसे पहले हम इसको देखते हैं, स्पेल चेक नाउ, बहुत ईजी सा काम है ये। देखिए वेलकम, ये वेल कहीं पे लिखा था और इसमें उसको चेक कर रहा है कि स्पेल मिस्टेक है। ठीक है, कहाँ पे लिखा था, कहीं भी आ रहा है, शो नहीं कर रहा। मैं इसको देखता हूँ किसी जगह पे वेल लिखा होगा, वेल के तो इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दे। सब्सक्राइब नाउ, ये आ गया, ये वाले स्पेल चेक कर रहा है। इस नाउ चेंज, देखिए ये स्पेल चेक कंप्लीट हो गए। रिसर्च करनी है तो रिसर्च कर ले, टोटल इसमें बता रहा है आपको सर्च फॉर 600 नाउ, ऑल रेफरेंसेस नाउ, जैसे इंग्लिश ग्रामर, यूनाइटेड स्टेट, किस चीज़ से आपने करनी है सर्च, तो आप इसको सर्चिंग करवा सकते हैं रिसर्च इसमें। जैसे ये ग्रामर चेक करेगा, ग्रामर का कोई फॉल्ट होगा तो वो ग्रामर भी आपको क्लियर कर देगा। ट्रांसलेटर चेक करते हैं, अगर आपने कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इंग्लिश को ट्रांसलेट या उर्दू में कर देगा, या उर्दू को इंग्लिश में करेगा, या द चाइनीज़ को एंड द डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद भी वो जिसमें कोई कमेंट्स वाला यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसमें कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये देखिए मेरा नाम आ गया ऊपर, और इसमें कहता हूँ, मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट ट्रेनिंग। मैंने इसमें कमेंट्स के तौर पे लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब ये कमांड जो इधर ही रहेगी, लेकिन जब मैं इसके ऊपर आऊँगा, ये देखिए मुझे ये शो कर रहा है कि इसमें ये पड़ा। ठीक है, ये कमेंट्स में आप अपने पर्सनली यूज़ करते हैं, जो प्रिंट आउट में आपको नहीं आएंगे। इसमें न्यू, प्रीवियस कमेंट्स, नेक्स्ट कमेंट्स, जितने आपने कमेंट्स यूज़ किए होंगे उतने कमेंट्स आपको शो करेगा। लाइक मैं इन टैब्स को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोटेक्ट शीट है, आपको पासवर्ड वगैरह लगाना है, सेल पे लगाना है, अब तो आप इस पे सेल वगैरह पे पासवर्ड और प्रोटेक्ट कर दें। प्रोटेक्ट वर्कबुक, अपनी पूरी इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड से तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स भी हैं, उससे आप इसको शेयर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट बाय शेयर वर्कबुक, अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। ठीक व्यूवर्स, इसमें ये प्रोटेक्शन का थोड़ा सा मैटर आ गया। इसके बाद व्यूवर्स व्यूज़ पे जाएंगे। व्यूज़ में ये देखिए, इसमें नॉर्मल व्यू है, पेज ब्रेक व्यू है, ठीक है, ये पेज लेआउट है, ये देखें कस्टम व्यूज़ हैं, कोई आप इसमें कस्टम व्यू ऐड किया हुआ तो वो भी कर सकते हैं। लाइक इसमें देखिए मैं कस्टम व्यूज़ में ऐड करता हूँ, इसमें मैं नेम रख लेता हूँ के नाम से व्यू रख लिया, प्रिंट सेटिंग ओके नाउ, तो वो कस्टम व्यूज़ पे ही आ जाएगा। इसमें ये वाला आप कस्टम व्यूज़ देख सकते हैं। नॉर्मल, ये देखिए मैं नॉर्मल पेज व्यू पे आ गया, ग्रिड लाइन वही, ये देखिए पीछे से ये बॉक्सेस वाला ग्रिड लाइन ख़त्म हो गई। ये देखिए मैं अगेन नाउ, ये देखिए ठीक है। अगर आप इसमें फार्मूला बार हाइट करनी है, हेडिंग हाइट करनी है, ये जूम करके देखना चाहते हैं तो इसमें ये देखिए, मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखिए इसमें जूमिंग हो गई। अगर जूम कम करेंगे तो जूम कम करके भी आप देख सकते हैं, ये 100% पे आ गया मैं। ठीक है, जूम सिलेक्शन आ गई है, ये आप इसकी जूमिंग सिलेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, 100% पे वापस आ जाएँ तो आपको वही व्यूज आपका बैक आ जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा विंडोज़ ओपन की होंगी तो ये आपको डिफरेंट मल्टीपल विंडोज़ की ओपन की हुई दिखाएगा। ये देखिए अब दो विंडोज़ में ये ओपन हो गया, इसमें से एक बंद कर देते हैं लाइक इसको। ठीक है, ऑल अरेंज नाउ, अगर ये मल्टीपल विंडोज़ लाइक ये आ गई, अब मैं इसको आप देखिएगा, मैं अगेन व्यूज़ में जाऊँगा, अरेंज ऑल ओके। ये देखिए इन्होंने दो विंडोज़ को इस तरह इसने अब अरेंजमेंट कर दिया। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसमें देखें कि फ्रीज कर रहे, फ्रीजर पे पैन आ जाएंगे, ये विंडोज़ के ऑप्शन हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस व्यूवर्स।